हम आ चुके हैं जी राधा रानी मंदिर बरसाना में। हम जा रहे हैं जी नंद बाबा के घर यानी कि गोकुल, जहाँ पे कान्हा जी की छोटी छोटी जो लीलाएं हैं उनके बारे में बताया जाएगा। तो फाइनली इतनी भीड़ से निकलने के बाद अब हम आ चुके हैं प्रेम मंदिर। सो हेलो जी, गुड मॉर्निंग, कैसे सो? उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। सुबह के 7 बज चुके हैं और हमारा टैक्सी वाला 7:30 बजे सही आ जाएगा। अभी हमारे पास आधा घंटा हो रहा है, सो नाश्ता करने चलते हैं। और आज हम एक्सप्लोर करेंगे वृंदावन, गोकुल, बरसाना और गोवर्धन, ये चारों चीजें एक्सप्लोर करेंगे इस वीडियो में। और अभी हम जा रहे हैं नाश्ता करने, नाश्ता करने के बाद टैक्सी वाला आ जाएगा। सो फटाफट से वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो नमस्कार, सत श्री अकाल, की हाल चाल, मैं और अपना साईं विशाल मुजान एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल SBM Vlogs। होटल से नीचे आ चुके हैं और मौसम काफी हसीन, काफी खूबसूरत है। जितनी कल गर्मी थी ना उतना ही आज मौसम ठंडा रहा, और हल्की हल्की बारिश भी आ चुकी है और मौसम देखिए गाइस काफी अच्छा है। सो हम आ चुके हैं चाय पीने और हमारी चाय भी आ चुकी है। सो चाय पी के भी चलते हैं और ड्राइवर का फोन भी आ चुका है, फटाफट से चाय पीते हैं निकलते हैं। लो जी चाय की जो स्किन मथुरा, चेस मैंने तो चाय पी ली बट ये चाय बहुत टेस्टी है। चाय की जो स्किन मथुरा बढ़िया चाय है ना, जबरदस्त चाय अच्छी, चाय अच्छी है, बिल्कुल चाय सारी नींद उड़ जाएगी हमारी, बिल्कुल। चलिए चाय पीते हैं फटाफट से, क्योंकि ड्राइवर हमारा आ चुका है होटल के पास। तो चाय पी के फटाफट से निकलते हैं, टक करके आ चुके हैं। अब जा रहे हैं हमारे टैक्सी वाले के पास जो कि होटल के पास खड़ा है, और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। हल्की हल्की हमें बारिश का एहसास हो चुका है, हल्की हल्की बूंदें गिर रही है हमारे सिर के ऊपर। सो एनीवेज टैक्सी वाले के पास चलते हैं हम इस गाड़ी में जाएंगे, चलो बैठो सर। सो अभी हम जा रहे हैं गोकुल और बारिश स्टार्ट हो चुकी है, हल्की हल्की बूंदाबांदी आ चुकी है और मौसम काफ़ी खूबसूरत हो चुकी है। सो अभी हम आपको लेके चलते हैं गोकुल और दिखाएंगे वहाँ का व्यू कैसा है। कितने एक्साइटेड हो आप? आई एम वेरी एक्साइटेड, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग हूँ। और बारिश आ रही है ना, तो मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि मतलब बारिश आ रही है और सारा प्लान खराब हो जाएगा। अच्छा लग रहा है, इवन कल बहुत ज्यादा गर्मी थी उससे ज्यादा तो मौसम आज अच्छा है, हल्की हल्की बारिश आ रही लेकिन मजा आ रहा है। सो अभी हम ना रास्ते में रुके हैं जमुना जी को देखने के लिए, और क्या ही शानदार व्यू है यार, यहाँ कैसा लग रहा है बहुत ही ना शानदार व्यू। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं ये लगा रखा है, वैसे ये डैम है तो काफ़ी खूबसूरत है यार, इस अल्टीमेट इतना सारा, अगर ये ना हो तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगे देखने के लिए। तो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा सा दृश्य, आप देखिए कैसा था। तो हम आ चुके हैं सिद्धि विनायक मंदिर, और सबसे पहले जो दर्शन है वो यहीं से स्टार्ट होते हैं सिद्धि विनायक मंदिर से, उसके बाद ही बाकी सब दर्शन स्टार्ट होते हैं। सो ये है श्री आदि गणेश मंदिर सिद्धि विनायक। सो चलो दर्शन करते हैं हम भी। गणेश मंदिर रिद्धि सिद्धि, सबसे पहले गणेश को मनाओ, दर्शन करा के लाऊंगा और एक साइड हो जाओ रोड का, को एक साइड चलो सर, जो आपकी खुशी है काम बड़ो। बोलो राधे राधे राधे। आज आपको छल छिद्र मोह माया कपट अहंकार सबको त्याग के भगवान के चरणों में मन को लगाना है, क्योंकि हर चीज़ आपको रोज़ रोज प्राप्त हो जाएगी। धंधा बिजनेस व्यापार में लगे रहोगे तो तीर्थ करने रोज़ रोज नहीं जाओगे। आज प्रभु ने आपको बुलाया तो सच्चे दिल से भगवान के दर्शन करने। बोलो राधे राधे। हम जा रहे हैं जी नंद बाबा के घर यानी कि गोकुल, जहाँ पे
कान्हा जी की छोटी छोटी जो लीलाएं हैं उनके बारे में बताया जाएगा क्या कुछ है। ये हमारे साथ पंडित जी जा रहे हैं, सर जी हमें सब चीज़ें बताएंगे कि कैसे क्या चीज़ थी। तो हम इनके पीछे चलते हैं और गलियों में दर्शन करते हैं, जो उनकी लीलाएं हैं वो भी बताएंगे सब आपको इसी वीडियो में। कई पतित पावन कुंड जो भगवान कृष्ण जो 6 दिन के हुए थे, तो माता यशोदा ने भगवान कृष्ण का इसी कुंड के अंदर छठी का कपड़ा धोया। 2 कदम का पेड़ तो उस पार है और 2 कदम का पेड़ इस पार है, यहाँ भगवान कृष्ण बैठ के बंसरी बजाया करते थे। वो सामने मधुबन जंगल जहाँ भगवान कृष्ण गाय चराने के लिए जाते थे। आज भी किसी माता बहन के गोकुल में लड़के बच्चे का जन्म होता है तो इसी कुंड के अंदर छठी का कपड़ा धोया जाता है। बोलो लड्डू गोपाल की, थोड़ा ऊँचा हाथ करो और हंसो थोड़ा। हा 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 हा, क्या कहते हैं जो गोकुल में आके हंसा उनका घर जाके बसा, और जो गोकुल में आके रोया संसार में सब कुछ खोया। गोकुल धाम खोने का जगह नहीं है, गोकुल तो पाने का जगह। बोलो लड्डू गोपाल की एक बार और हंसलो। ये भूमि को माथे से लगाइए, राधे 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 राधे। जब कान्हा जी छोटे थे तो यशोदा मैया इनको इसी कुंड में स्नान कराते थे और इसी पेड़ के ऊपर बांसुरी बजाते थे। तो अब चलते हैं हम आगे। मेहमान होता है ना राक्षस, उनके लिए निकले से साथ थे। ये पहला गेट है गोकुल जी का नंद द्वार। बोलो नंद बाबा की जय। तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ अब गोकुल का पहला नंद द्वार। कोई भी राक्षस नहीं जा सकता, सिर्फ इंसान ही जा सकते हैं। तो ये पहला गोकुल का नंद द्वार है। ये सामने गोपाल गौशाला है। इस गांव का जो असली नाम है, इस गांव का असली नाम क्या है? गौकुल, गाय का कुल, गाय का जन्म। जल्दी में हम क्या बोलते हैं? गोकुल। सबसे पहले इस गांव का नाम था नंद गांव, क्योंकि नंद बाबा गोकुल के जमींदार राजा थे। नंद बाबा ने भगवान कृष्ण के आने की खुशी में इसी गोकुल के अंदर 9 लाख गाय का दान किया, तो जब से इस गाँव का नाम पड़ गया गौकुल। कहते हैं नंद बाबा ने 9 लाख गौदान किया गोकुल में। कोई व्यक्ति जीवन में गौदान गोकुल में करता है, व्यक्ति को जीवन में 9 लाख गौदान करने का फल मिलता है। बोलो राधे राधे। ये सामने भगवान भजना साहब, जो विधवा माता लोग होती है ना, मीरा भाई लोग, जिनके कोई घर परिवार का नहीं होता, वो खिलाने पिलाने वाला नहीं होता, भजन करते 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम हरे कृष्णा हरे राम इसमें रहता। तो यहाँ मेरे पीछे देख रहे हैं जो नंद चौक है वो। तो जब भी जन्माष्टमी की तैयारी होती है, जो मिट्टी का घड़ा फोड़ा जाता है वो इसी चौक पर फोड़ा जाता है, और इस गोकुल में कोई भी शराब प्याज लहसुन कोई भी प्रयोग नहीं करते। यमुना जी पार करा के नंद बाबा के इसी घर में भगवान कृष्ण को छुपा के गए। इसी घर में एक लड़की का जन्म हुआ था योग माया, उसको यहाँ से बदला करके ले गए। जब मामा कंस लड़की योग माया को उठा के दीवार में फेंक के मारने लगा तो हाथ से छूट के आकाशवाणी बिजली हो गई। पापी कंस मेरे को क्या मारे तेरे मारने वाला, सबका तारण हार गोकुल में अवतार लेकर झूले में झूलता, वही भगवान के झूले का दर्शन है। नंद बाबा का घर है। हाँ जी, जन्माष्टमी का जो व्रत मनाता है ना हिंदू का बच्चा, अपने घर में वैसी घर के नाम से मनाता है। नंद बाबा का घर जहाँ पे कान्हा जी रहे थे, समझ चुके हैं नंद बाबा घर। बोलिए राधे राधे। ये नंद बाबा की कुल देवी का मंदिर। नंद बबा यशोदा माँ के घर में 60 साल की उम्र तक कोई संतान नहीं थी, तो नंद बाबा यशोदा माता ने इसी जगह पे बैठ के 11 महीने तक बैठ के तपस्या की। जब उनके घर में संतान का सुख होगा, ये सभी यहाँ के मनोकामना के मंगल वस्त्र हैं। ये 2 वस्त्र अंदर मंदिर से मिलता है, कैसा भी आपका मनोकामना होता है उसको भगवान 11 महीने के अंदर अंदर पूरी करते हैं। मनोकामना किसकी पूरी होती है? कि जिसको भगवान पर विश्वास हो। विश्वासम फलदायकम, विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। एक वस्त्र यहाँ बांधा जाता है, घर पर ले जाता है। बोलो बंसरी वाले की, हंस लो थोड़ा, हंसो, ऐसे ढीले पड़ रहे हो। यहाँ से नहीं हंसना है, यहाँ से लौट के जाना। अंदर जा सकते हैं। So, हम गोकुल से दर्शन करकर अब जा रहे हैं बरसाना, और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब आप गोकुल में आते हैं किसी मंदिर में तो आप अपनी मर्जी से दान कीजिएगा। पंडित जी आपको बोलेंगे कि आप इतना दान करो उतना दान करो, लेकिन जो आपकी श्रद्धा हो उतना ही दान कीजिएगा। आपको फोर्स भी कर सकते हैं, लेकिन जितनी आपकी श्रद्धा हो उतना ही करना। सेकेंडली, जब आप यहाँ पर आओ तो अपनी चीज़ों का खास ख्याल रखना, क्योंकि अभी जस्ट हुआ ऐसे कि मैं मुंह धोने के लिए सिर्फ 1 मिनट के लिए मैंने अपना गॉगल्स उतारा था, और 1 मिनट के अंदर अंदर मेरा गॉगल्स चोरी हो चुका था, और मैंने काफ़ी ढूंढा भी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे पता था कि नहीं मिलेगा, बट आई विल ट्राई। अभी हम जा रहे हैं बरसाना।
तो गाइस आपको पता है कि मेरा चश्मा खो चुका है, तो हमें चश्मे के बारे में क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? अभी मेरे को याद नहीं है, बाद में बताओ। अब बता रहा हूँ, धावा बोल देते, हटाओ इसको। नहीं, अभी आप वो गाना गाते ना, कौन सा गाना? मेरे को कुछ नहीं पता क्या बोल रहा है, इसको हटाना है। ये भी कह रहे थे कि कैमरा ऑन करो, मैंने कुछ वार्तालाप करनी है ऑडियंस के साथ। सो जी, हम बरसाना पहुँचने वाले हैं, 3-4 किलोमीटर का रास्ता हो रह चुका है, और बरसाना राधा जी का गांव है जो कि आप सभी को ही पता है, और वहां पे एक मंदिर है, तो उस मंदिर में विजिट करेंगे। ऑलराइट जी, हम आ चुके हैं बरसाना फाइनली, लेकिन हमने डिसाइड किया पहले हम खाना खाएंगे, क्योंकि सुबह से हमने नाश्ता नहीं किया ढंग से, तो पहले खाना खाते हैं, और जब तक हम खाना खाएंगे तब तक आरती का टाइम भी हो जाएगा, उसके बाद हम जाएंगे राधा रानी मंदिर में। सो जी, हमारा खाना आ चुका है, और खाना खा के आपको बताते हैं कैसे। खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। सभी खाना खा के हम आ चुके हैं राधा रानी के मंदिर की ओर, और अब हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं यहाँ से, और लेके चलते हैं आपको राधा रानी के मंदिर। तो हम आ चुके हैं जी राधा रानी मंदिर बरसाना में। राधा रानी मंदिर एक पहाड़ी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई लगभग 250 मीटर है, और अब हम पहुंच चुके हैं मंदिर के अंदर, जहाँ हमें बहुत ही ज़्यादा क्राउड देखने को मिला, और यहाँ कैमरा अलाउड नहीं था। ये राधा रानी मंदिर के बाहर का व्यू है, जहाँ से पूरा बरसाना हम देख सकते हैं, और काफी शानदार व्यू है यहाँ का। सो जी, हम मंदिर से दर्शन कर आ चुके हैं वापस गाड़ी में, और बाहर का टेम्परेचर 52 डिग्री है, बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है, और अभी हम जा रहे हैं गोवर्धन, थोड़ा रिलैक्स करते हैं, क्योंकि गर्मी में घूम घूम कर हम थक चुके हैं।